आपने बता के आना है कि मैडम को, क्योंकि पहले हमने मर्दों की चेक की है ना, अब मैडम के लिए चेक करने लगे। मैडम को सबसे ज्यादा गुस्सा, नहीं सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पे आता है वो डॉक्टर साहब को बता दिया। मिस जी आप इधर चली जाएं साथ ही। जी डॉक्टर साहब आए जी। भाई ने कहा है कि जब हमने चर्च के लिए जाना होता है और ये रेडी ना हो तो मैं कुछ कहूं तो फिर गुस्सा आता है। हाँ जी मिसेज रॉबिन, इन्होंने तो मुझे गलत फिर बता दिया। ये कहती हैं कि जब मैं सफाई करती हूँ तो तब इनको गुस्सा आता है। ये दा मतलब है जेरी साहब के इन्हें गंद प्यार है। सो ये 24 साल का तजर्बा अभी कमजोर है, ये 25 साल पूरे होंगे तो कामयाब होंगे। सो जोरदार तालियां इस जोड़े के लिए भी आ जाएं। सो अभी हमारे पास एक खूबसूरत सिंगर हैं भाई साजिद साहब, उस्ताद आदमी है, बहुत से लोग उनसे मौसीकी सीखते हैं और ये वाहद काम है जो मुझे नहीं करना आता। सो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ इस काम के लिए कि वो ज़बरदस्त मौसीकी के माहिर हैं। सो अभी ये कह रहे हैं कि मुझे ना मौसीकी नहीं आती। मैं एक नाज़रीन और बात आपको बताऊंगी जो आपको नहीं पता, ये लिखते भी नहीं हैं, इनका मुंशी मैं ही बनती हूँ। सो साजिद भाई तशरीफ लाते हैं आपकी भरपूर तालियों में। सो साजिद भाई आप हमें बताएं कि 25 दिसंबर का दिन आप किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? सर सबसे पहले एज ए वर्शिपर हूँ मैं, तो जाहिर बात है तैयार होते हैं और चर्च के लिए जाते हैं और वहाँ पे जो संडे सर्विस और जो क्रिसमस की इबादत है उसको अटेंड करते हैं। उसके बाद घर आते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं, अपने वालदान से उनको विश करते हैं, दूसरे जो रिश्तेदार उनको विश करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। जबरदस्त जी, उसके बाद सो जाते हैं तो सारे ही सो जाते हैं, ये कौन सी नोखी बात है। हाँ जी जबरदस्त। सो बाजी से पूछें जी इनकी फरमाइश कोई। बाजी जैसे हमने सबसे पूछा कि खाने की फरमाइश, तो भाईजान अक्सर खाने की फरमाइश कौन सी करते हैं आपसे? बिरयानी। सो सिंगर तो चावल कम खाते हैं लेकिन भाई को बिरयानी पसंद है, भाई के लिए जोरदार तालियां। बिरयानी भी खाते हैं गाते भी हैं। सो अभी इनकी भी हम अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे। सो भाईजान इधर आए, आपने वो हमारे भाई बड़े अच्छे सिंगर हैं उनको बता के आना है कि आपका सबसे पसंदीदा गीत कौन सा है। जी बाजी आप आए, आप ये हमारी बाजी को बताएं मिसेस यूनस को कि भाई का पसंदीदा गीत कौन सा है। इन्होंने मुझे बताया है कि इनको दो गीत पसंद है, एक तो दुखिया ना बेड़ा और दूसरा आयुसु जिया दुल्हन को लेने। ऐसी एक गीत पूछा सी उन्हें MCQs करवा देते ने। जी भाजी आ जाए। पहला वाला ऑप्शन उनका बिल्कुल ठीक है जो उन्होंने बताया है। वाजी कितने साल हो गए शादी को? 5 सालों की जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग, आपकी भरपूर तालियां साजिद भाई के लिए और बाजी के लिए। सर मैंने अक्सर यही सुना है कि जो 5 साल गुजार जाता है वो 50 साल भी गुजार लेगा। जिंदगी के अच्छे 5 साल जो है अगर आप गुजार लें तो 50 साल सुकून से गुजरेंगे, ये मैडम का मैसेज है और जबरदस्त मैसेज है। लेकिन ये कैसे ऐसे चले जाएं, सिंगर हैं और गाए बगैर ही। जी आप भी हमारे लिए कोई जबरदस्त क्रिसमस सॉन्ग। मेरी मिसेज बस साथ ही देंगी क्योंकि पप्पली खान ताली का साथ देंगी बिल्कुल। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो वो गाएंगे जरूर प्रेज़ गॉड। एक नई कंपोजिशन है सर जो आपकी। हर एक शह खेड़ खेड़ हस दिए।